हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनू माथुर। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक हैं जिनकी झोली में इस वक्त फेम, नेम, पैसा सब कुछ भरा हुआ है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि जनाब की भूल भुलैया 2 इन दिनों झंडे जो गाड़ रही है। भूल भुलैया 2 को इस साल की सबसे बड़ी हिट कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म लगातार एक के बाद एक नए रिकॉर्ड कायम करते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक को लेकर ही हम आपके सामने एक नई अपडेट लेकर आए हैं कि आखिर कार्तिक आर्यन क्यों नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 एक लौती ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को थिएटर तक खींचने में कामयाबी हासिल की है। नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग बॉलीवुड की फिल्मों के लिए OTT पर जाना अब ज्यादा पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि भैया कौन इतना ज्यादा फालतू पैसा थिएटर पर खर्च करे, लेकिन भूल भुलैया 2 ने लोगों की इस गलतफहमी को बिल्कुल तोड़ दिया है। बॉलीवुड के नए बादशाह बने कार्तिक आर्यन ने ऑडियंस को थिएटर आने पर मजबूर कर दिया है। हर एक्टर चाहता है कि उसकी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखे। अगर घर बैठकर देखने की बजाय लोग सिनेमा घरों में चले जाएं तो फिर बात ही क्या है। वैसे एक बड़ी खबर यह भी है कि कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। एक के बाद एक कारनामे किए जा रहे हैं कार्तिक आर्यन, लेकिन कार्तिक आर्यन ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया है। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि आखिर कार्तिक आर्यन ने क्या नया कारनामा कर दिखाया है। भूल भुलैया 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं और अब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भूल भुलैया का क्रेज लोगों पर से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस पर सबकी नजरें थी, हर कोई अक्षय कुमार और कार्तिक को काफी कंपेयर भी कर रहा था, लेकिन कार्तिक आर्यन ने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को थिएटर आने पर मजबूर क्या किया। इस फिल्म ने 260 करोड़ का बिजनेस ही कर लिया। फैंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 बड़ा रिकॉर्ड कायम करे। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने 260 करोड़ के अलावा एक नया रिकॉर्ड और बना लिया है जो अपने आप में काफी खास है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बता रहे हैं कि भूल भुलैया 2 कार्तिक आर्यन की सबसे कामयाब फिल्म बन चुकी है। रिकॉर्ड ये है कि इसे देखने के लिए घरेलू सिनेमाघरों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा ऑडियंस पहुंच चुकी है। कार्तिक आर्यन की पहली ऐसी फिल्म है जिसे लोगों ने सिनेमाघरों में जाके देखा और अभी शहरों में लोगों को फिल्म देखने के लिए काफी एक्साइटेड देखा जा सकता है। कोरोना के बाद इस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है भूल भुलैया 2, जिसने जबरदस्त ओपनिंग ली है। बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म होगी 2022 की जिसकी इतनी बड़ी ओपनिंग हुई है। आपको बता दें कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 ने 13 करोड़ 14 लाख रुपए की कमाई की थी पहले दिन। इसकी एडवांस बुकिंग भी जबरदस्त थी। कार्तिक की पिछली 6 फिल्मों में ये 5वीं ऐसी हिट फिल्म है। कमाई के लिहाज से भूल भुलैया 2 कार्तिक की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन गई है, लेकिन 1 करोड़ लोगों का सिनेमाघरों में भूल भुलैया 2 को जाकर देखना अपने आप में वाकई शानदार रिकॉर्ड है। इससे पहले कार्तिक आर्यन की सोनू के टीटू की स्वीटी को 90 लाख से ज्यादा लोगों ने हॉल में जाकर देखा था, लेकिन इसके अलावा लुका छुपी को देखने वाले जो लोग थे सिनेमाघरों में वो 60.5 लाख लोग थे। कार्तिक आर्यन की फिल्म को लेकर ये बड़ा शानदार रिकॉर्ड है कि अभी तक मिलियंस में लोग सिनेमाघरों में जाकर कार्तिक आर्यन की इस फिल्म को देख चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि भूल भुलैया 2 जिस तरीके से एक के बाद एक झंडी गाड़ती जा रही है, उसके बाद भूषण कुमार भी कार्तिक से काफी खुश नजर आए। यही वजह है कि कार्तिक आर्यन को काफी बड़ा गिफ्ट दिया है भूषण कुमार ने। अपने आप में ये फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम की जा रही है। फिलहाल तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में आकर ये बताए कि कार्तिक ने ये जो रिकॉर्ड कायम किया है इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है, और क्या आप भी कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड का नया बादशाह मानते हैं। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी फॉलो कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।